व्हाट आई बिलीव सो इज कि देखें ये तो बहुत आगे की बीमारी है कि इंसान जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो बीमार को ख़त्म करने के बजाय बीमारी का अगर इलाज किया जाए दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। तो वो कहाँ पर पलती है वो खारिज में नहीं है, वो बातें इनके अंदर होती हैं। तो ये तो इंसान अपनी बिहेवियरल साइकोलॉजी से अपने उसूलों के तहत परफॉर्म नहीं कर सका, यही करप्शन है ना कि वो अपने मॉरल कोड को फॉलो नहीं कर सका, उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सका, उस पर मुस्तकिल मिजाजी नहीं इख्तियार कर सका। बात यहाँ पर ये है कि जब इंसान के पास वैल्यूज़ ही नहीं होंगे, जब इंसान के पास कोई विजन ही नहीं होगा, जब इंसान के पास कोई उसूल ही नहीं होंगे, फिर तोड़ते हुए उसके अंदर उसके वो जो फोर्स उसको टिकने पर मजबूर करती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये सारी बातों का फिर कोई हैसियत नहीं रहती। मगर जब आप उसको विजन ही नहीं देंगे, जब आप उसे स्कोप आउट ही नहीं करेंगे कि उसने जाना कहाँ पर है और उसने उसकी एप्लीकेशन किया है, यहाँ तक पहुँचाना है हमने एक इतने बड़े प्रोविंस को या मुल्क को, तो ऑब्वियस ही बात है फिर इंसान उसके तहत अपना फिजिकल और स्पिरिचुअल मसल एग्जर्ट करेगा, एग्जॉस्ट करेगा। लेकिन जब उसे विजन ही नहीं पता, जब पहले से ही बचपन से घर से हम तालीमी इदारों को तो बाद में कोसते हैं, हदीस में तो पहले माँ बाप आएंगे, माँ मिन मौलूद इल्ला युलद वल फितर, एवरी चाइल्ड वॉज बॉर्न नेचुरल, माँ बाप जो थे वही उसे उसके उसूलों से पीछे हटाते हैं। तो यहाँ हमारी बेसिक खेल के अंदर ही हमें सिखाया जाता है कि बेटा जिंदगी का मकसद है, उसकी दो गाड़ियां तो तेरी चार होनी चाहिए, उसका 500 गज का घर है तेरा 1000 गज का होना चाहिए। द मोमेंट यू डिफाइन योर सेल्फ यू डू नॉट हैव अ विजन लार्जर देन लाइफ, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने इलाके के लिए, डेफिनेटली आप कन्फाइंड होंगे, आप लॉक्ड होंगे और वो सारी एनर्जी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। या फिर विजन हुआ, एक मकसद हुआ, मुल्क को कहीं ले जाने का कोई कॉन्सेप्ट हुआ, इंसानियत को कहीं ले जाने का कॉन्सेप्ट हुआ, और अगर सिंसेरिटी नहीं हुई इस विजन के साथ, तब भी आप अपने उसूल तोड़ेंगे, तब भी आप शॉर्टकट करेंगे, तब भी आप कर्टेलिंग करेंगे, तब भी आप जिगजैगिंग करेंगे, और उसमें अक्सरियत इंसानों का हक मारा जाएगा, जिसे हम किरदार कशी कह लें, करप्शन कह लें, जो भी नाम आप दे लें उसको। और अगर आप उसके अंदर सिंसियर भी हैं, पहले तो लोगों का विजन ही नहीं है, विजन है और सिंसेरिटी नहीं है, तब भी टूट जाएगा। अगर सिंसेरिटी भी है, इखलास जैसे हम कहते हैं, अगर मेथडोलॉजी नहीं है, मनज जिसे कहते हैं, अगर आपको मेथड ही नहीं आता एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने का, आप टैलेंट की बेकदरी, लोगों को नीचे लगाना, तकब्बुर का एहसास, हसद, बुगज, कीना, और अल्लाह ताला ने दो बड़ी सिफात दी अगर आपने नहीं है ना, एक है सर्टेन, दो चीज है, लम्मा सबर वकानो भी आयातिन योगी, अगर आप में सर्टेंटी नहीं है आप वल्ला ही उसके अंदर जो ना हैंकी पैंकी करेंगे, और अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है ना कि आप हिट नहीं ले सकते, आपको मैं गारंटी से कहता हूं यहां पर अगर कोई जीनियस बैठा हुआ है ना, जीनियस, द जीनियस इज वन हु हैज एन आइडिया, वो पहुंचा ही नहीं सकता उसको वहां। भजन इफ यू वांट टू स्टिक टू अ कोड ऑफ वैल्यू कंसिस्टेंसी एंड सर्टेंटी, यकीन के अल्लाह मदद करेगा, यकीन कौम, मेरे कौम का दिल धड़केगा मेरी आवाज के ऊपर, मेरी सच्चाई ऐसी थोड़ी हो सकता है। टैलेंट और ऑनेस्टी अनडिस्कवर्ड नहीं रहती कभी, स्टे ऑन द पाथ एंड डोंट डिट्रैक आउट ऑफ। If you're not consistent and if you're not certain, definitely फिर ये फिर आदमी के बिकने के कोई कीमत नहीं होती, फिर वो टके टके पर बिक जाते हैं। इसलिए एक शेर कह के खत्म करूंगा, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें बस बस उन्हें डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहली बात है मैं इधर भी चला जाऊं, मैं इधर भी चला जाऊं, मैं इधर भी चला जाऊं, यू कांट बी, यू विल बी अ जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन। वो जो एक खास खुसूसियत के ऊपर हैमर डाउन करते हैं ना कि मैं इसको लेके आगे चलूंगा, इसके अंदर पांच छह चीजें काम करती हैं और स्पॉट ऑन अगर हो गया ना वहां पर, यू विल बी अ लीडर इन दैट। नंबर वन, दे शुड बी अकेडमीज जो आके स्ट्रेट बोलें, हम यूएस की यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स होते हैं, आप वहां जाके बोलें जी मैं ये परसू करना चाहता हूँ, आपको खुद ही बताएंगे जी ये आपकी फील्ड ही नहीं बनती, दे विल हेल्प यू, हमारे यहाँ आ जाओ, वो मस्त है, फीस जमा कराएं 50,000 रुपए सेमेस्टर के, एनरोल कर दो, बंदा पागल हो जाए, उसके अंदर फील्ड क्या नहीं है, अंदर उसको एडमिट करो ना, दिस इज यू नॉट बीइंग सिंसियर टू द, मैंने कहा ना विजनरी लोग होते हैं, जो बंदा एडमिट करना हो, बंदे को ग्रूम करना हो, बंदे को बनाना हो, ये विजनरी लोगों का काम होता है, उसके अंदर फिर लेवरेजेस, स्कॉलरशिप, स्टेट लोन्स जो भी होते हैं, टैलेंट हंटिंग है नहीं हमारे यहाँ, तो अकेडमीज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बच्चा जिंदगी में आगे परसू करे, पैसे वाला इंजीनियर बन जाए, कुछ भजन अकेडमीज खोलें कि जहां पर पोटेंशियल टैलेंट उस फील्ड में अगर सिग्नेचर बन सकता है, कौम का नाम भी रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा, दीन का भी नाम रोशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो है, सेकेंड ऑफ ऑल डेवलपिंग अ विजन, डीपर डाइव, अपने अंदर भी देखें कि भाई मैं इस फील्ड में क्या बन सकता हूँ। ऑलवेज मेक योर स्ट्रेंथ वीकनेस योर स्ट्रेंथ। नंबर 3, यूनिक सेलिंग पॉइंट व्हेन इट कम्स टू विजन,
हर जगह ठीक है, आप जाएं मार्केट तो सैचुरेटेड, आप किसी फील्ड में भी डालेंगे 50 लोग बैठे होंगे उस फील्ड के अंदर। तो कोशिश करें अनसैचुरेटेड मार्केट के अंदर विजन बनाएं, लेकिन उधर होता क्या, उधर लॉग फाइल्स नहीं होती, उधर मेंटर्स नहीं होते, उधर पर्क्स नहीं होते, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फील्ड डिस्कवर्ड नहीं होती। तो उसमें वही फिर दो उसूल आ जाएंगे, यकीन नहीं है, सबर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, पेशेंस नहीं है, रिजिलियंस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, परसेप्शनल एनालिसिस नहीं है, इमोशनल कोशिश नहीं है, विल नहीं है, टूट के कट मर के। बहादुर शाह जफर जो कहते थे कि मैं मिट्टी में गाड़ लो अपने आप को, फूल और फल तो दुनिया देखती रहेगी, हम तो वो चीजें जो जमीन में गाड़ते हैं अपने आप को, ना कौमें हमें पहचानेगी, ना कौमें हमें जानेगी, हमारे ऊपर जो नस्ल उगेगी वो दुनिया में कुछ काम कर जाए, इन जज्बों के साथ आदमी चीजें बनाता है। तो फोर्थ पॉइंट शुड बी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड मार्केट्स में आता है, जो सब कर रहे हैं वही करना है। तो याद रखना उसमें पट्ठा भी ज्यादा लगेगा, मसल भी ज्यादा एग्जर्ट होगा, और आपकी स्पिरिचुअल साइंसेज भी फुल लगेंगी, माइंड से दबा के लगेंगी, मगर उसमें आप बन सकते हैं। उसमें फिर जीनियस चाहिए या बहुत बड़ा मजदूर चाहिए, मगर अगर आप वाकई किसी ऐसी मार्केट में नाम बनाना चाहते हैं जहां वाकई कोई नहीं है, बड़ी बैठी। सो इफ यू वांट टू डेवलप अ विजन, यू नीड टू नो के फत्तकुल्लाह मस्ततात, अपनी इस्तेताद को देखें, मैं ये कर सकता हूं नहीं कर सकता। लास्ट एंड द लीस्ट स्टेप जो कोई शायद नहीं आपको बताएगा, अब आपकी उम्र हो चुकी है 20-20, इस वक्त टैलेंट हंटिंग नहीं होती भाई जान, टैलेंटिंग हंटिंग होती है 4-4, 5-5 साल की। तो आप जो बन चुके हैं ना, ये पाकिस्तान का स्टेट हमारे सामने बैठा हुआ है। दुख ये है कि जब ये जनरेशन लॉस्ट हो जाती है ना, फिर नए पे काम कर, आपका बहुत कुछ ऐसा खराब हो चुका होगा अभी तक जो आपको भी नहीं पता, जो सिवाय दीन के कोई नहीं सॉल्व कर सकता। दीन से मुराद स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, ताल्लुक बिल्ला, यू नो, तस्किया, युज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुम अल-किताब, उसके बगैर वो ही नहीं, आप कुछ भी कर लें, वो कनेक्टिविटी विद गॉड के बगैर बंदा बंदा नहीं बन सकता, करप्शन नहीं रुक सकती, किरदार नहीं हो सकता। डर कहीं पर इंसान अपने किरदार को डर से रोकता है, कहीं उम्मीद से रखता है, बशीर व नज़ीर, खौफ और रजा, तो कहीं डंडा है और वो, और दुनिया में लोगों ने बड़े बड़े डंडों को अपने सर से उठा के कि अल्लाह का ही डर है जो इंसान को इंसान बना के सकता है। तो हमें एथियस्टिक स्टेट नहीं चाहिए, वी वांट अ रिलीजियस स्टेट, यू नो व्हाई, इन अ सेंस कि बंदे को कंट्रोल तो करना ना, कमांड ही नहीं हो सकता कहीं से। बाय द एंड ऑफ द डे अंधेरे के अंदर वो दराज खोल के अंदर गड्डी डालने के लिए अगर कोई चीज इंसान को रोके, वो अल्लाह ही, और कोई चीज नहीं हो सकती। सेकेंड ऑफ ऑल आपका जो है वो उम्मीद है, मोटिवेशन, लोगों को एक्टिवेट करना, यार आगे अच्छा रिवॉर्ड है, मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और अल्लाह भी मिलेगा और जन्नत भी मिलेगी। तो ये दो एलिमेंट्स के साथ इंसान को किक किया जाता है, मगर जब उसका कुछ टैलेंट मैच्योर हो चुका हो, 20-20 साल अपनी स्पिरिचुअल साइंसेस, अपनी माइंड साइंसेस, अपना इमोशनल क्वोशेंट, अपना परसेप्शन एनालिसिस हमने गटर में फेंका हो, और 22-20 साल के अंदर जब आपने एक फन में महारत हासिल करने के बाद आप फील्ड में आए और वहां पॉलिटिक्स भी चले, धक्के भी पड़े, गेमें भी हो, नेगेटिव साइकोलॉजी भी चल रही हो, और फिर बंदा कहे जी मुझे जीत नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, या खिलाना पड़ रहा है, या फिर एंड में जाके आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस थिंग अप, वो विजन लेना जिसमें तुम इस एज तक कुछ मैच्योर हो चुके हो। अब वो तुक्के में हो गया है, कोइंसिडेंस है, अकेडमियों से हो गया, माँ बाप अच्छे मिल गए, दोस्त अच्छे मिल गए, अगर मसल 20 BMI पे खड़ा हुआ है और उस टाइम पर आप एक ख्वाब देखना चाह रहे हैं, तो भाजन एज, फिजिकलिटी, टोपोग्राफी, जेनेटिक्स, DNA, जमीन, आसमान, अल्लाह, रूहानियत, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, इसको माइनस करके मुझे लग रहा है जी मैं ये बन जाऊं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ये तुक्कों के ऊपर, फ्लूक के ऊपर रियासतें नहीं बनती, तुक्कों के ऊपर तरक्कियां नहीं होती, एक आध बार फ्लूक चल जाएगा। सक्सेस इज अ ऑनगोइंग स्ट्रगल दैट कम्स आफ्टर टाइम्स एंड टाइम्स एंड टाइम्स एंड टाइम्स एंड टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ डिगिंग इनटू इट, तो जाके कहीं 2.2 की कोई एक चीज मिल जाएगी आपको, फिर आप उसे हैंड ओवर करते हैं अगली जनरेशन को। So for you, I would only advise you, if you want to have a vision, be honest to yourself, stop doing the blame game. Leaders के लिए कभी भी हालात अच्छे नहीं थे कुछ बनाने के लिए, हालात हमेशा टफ होते हैं, they've always been hard, they've always been difficult, और साफ बात होती है भाई कोई रिटर्न, कोई पर्क्स नहीं मिले। If you want to create a vision, उसके अंदर चीज वो सिलेक्ट करें जो मैच्योर हो जाए, अगर वो चीज जो मैच्योर नहीं हुई थी, जिस्मानी वादी रिस्क बहुत है, फिर उसमें ठुड्डे भी बहुत पड़ेंगे, उसमें फिर जिगर भी बहुत होना चाहिए उसमें टिकने के। एंड के अंदर ये कहना मुझसे नहीं हुआ, कॉमे नहीं हैंडल हुई, उसको डाउन नहीं कर सका, अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सका, क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं था, और ये ना ये लूजर्स और शिकस्त याफ्ता लोगों की निशानी, यू डिडंट पुल इट ऑफ, यू जस्ट डिडंट पुल इट ऑफ, खलास, इफ यू पुल्ड इट ऑफ देन इज व्हेन यू विल बिकम अ हिस्ट्री। उसके लिए जो हमने लूज किया है, जो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों ने जिंदगियों में अपनी मारें खाई हैं, इनसे सीखें, इनसे लॉग फाइल लें भाई जान, अब ये बताएं कि कहां रह गया जो हम नहीं कर सकते, और हमसे पूछें कि जहां ऊंट बांधने के बाद, फिजिकल मसल एक्सर्ट करने के बाद, आप बताएं रूहानी मसल कैसे एक्सर्ट करना है कि वो 600 पर वाला जिब्रील जमीन पे उतरे, दोनों के बगैर आप दुनिया नहीं चला सकते। यू हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ देम टू लीड एन एक्सीलेंट विजन, एंड मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू टू बिकम द फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू, जजाकअल्लाह।